आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज वीडियो का पेपर जो ग्राम विकास अधिकारी का था संपन्न हुआ और इसमें बुकलेट नहीं दी गई है, तो हमने जो प्रश्न पूछे हैं वो जो एग्ज़ाम देख के लड़के निकल रहे थे उनसे पूछा। कुछ पेपर देख के ऐसा लग रहा था उन लोगों का चेहरा देख करके कि पेपर कुछ कठिन था। जैसे लोगों ने बताया कि हिंदी तो ठीक थी पर रीजनिंग में बड़े लेंदी क्वेश्चन थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, और जीएस भी कुछ कठिन था। तो जो जो भी हमको मिले हैं जैसे जैसा लोगों ने बताया है वैसे वैसे प्रश्न मैंने डाल दिए हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं और क्या क्या उनके उत्तर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड लागू करने के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर होगा रैमसे मैकडोनल्ड। ठीक है। दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो जो उसमें उत्तर दिए हैं उनमें है जलज। उर्वशी के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरसागर के लेखक कौन है? तो इसमें थे सूरदास हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आसान होगा, जैसी करनी वैसी भरनी का मुहावरा क्या होगा? ये मुहावरा आया था जैसी करनी वैसी भरनी का, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर था वो कार्य के अनुरूप फल जो है मिलना। दान देने योग के लिए एक शब्द, ये दे। देखिए यहाँ पर बताने में कुछ बड़ा कन्फ्यूजन हुआ लोगों को। कुछ लोगों ने बताया कि दान देने योग के लिए एक शब्द पूछा गया है, और कुछ लोग बताया कि दान देने वाले को क्या कहते हैं, लेकिन एक ने बताया कि करेक्ट क्वेश्चन यही है, दान देने योग के लिए एक शब्द क्या है? तो उसे दे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न से देशज शब्द कौन सा है? तो जो उसमें आंसर थे उसमें कटोरा आपका देशज शब्द है। कंगाली में आटा गीला होने का मतलब है कि आपत्ति आ पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो है यारा लावा, ये जो है आपके अंतस्थ व्यंजन है। रामानुज में समास कौन सा है? सो इसमें जो उत्तर है तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो इसका है बुरे काम कार का अच्छा परिणाम नहीं होता, यानी आप बुरा काम करते हैं तो उसका परिणाम अच्छे आने की उम्मीद मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी कैसे है? कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चन आया था, कुछ लोगों ने उसको बोला कुछ और बोला उत्तर बताया, लेकिन जो तीन चार लोगों से पूछ के उसको आंसर मिला वो यही था कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, आपकी रैम है, सेकेंडरी आपकी हार्ड डिस्क होती है। सूर्य शक्ति किसान योजना किस राज्य की है? तो ये जो है सोलर ऊर्जा संबंधित था, इसका आंसर है गुजरात। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें कि एशियाई है आप लोग जानते हैं। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? आप लोग इसको जानते हैं, बरसाना में खेली जाती है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये भारत ही है। और मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये आप लोग जानते हैं कि ये शाहजहां ने बनवाया था, जैसे नादिर शाह ने 1739 में जो है इसको लूट के ले गया था। भारतीय राष्ट्रपति का क्रम कौन सा, यानी जो ये भारत में इस समय जो कुलीन जी राष्ट्रपति हैं तो ये किस क्रम में है? तो ये आपके 14वें क्रम में है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर डे कब मनाया जाता है? देखिए इसका अब वो बता नहीं पाए कि इंटरनेशनल टाइगर डे था क्या था, लेकिन जो हमने आंसर दिया है वो इंटरनेशनल टाइगर डे का है, वो 29 जुलाई। अब ये देखते हैं कि उसमें आंसर था कि नहीं, वो क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक, इसमें भी जो बताया कुछ लोगों ने कि ये क्वेश्चन आया था ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया की रैंक क्या है इस समय, तो 130वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रा परियोजना कहाँ स्थित है? देखिए तुंग भद्रा परियोजना है, ये दो राज्यों में, अब उत्तर में जो भी रहा हो तो ये दो राज्यों में मिलकर बनी है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इनमें से कोई भी उत्तर में दिया होगा या दोनों रहे होंगे। ये डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ये डेन्यूब नदी जो निकलती है ये आपकी जर्मनी से निकलती है। नेक्स्ट है, आलू उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश का ही है। कौन सी नदी अरब सागर में मिल जाती है? तो इसमें आप जानते हैं कि ताप्ती है, ताप्ती नदी है। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है? सभी लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म वाला, तो ये पर है। सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका कि एक से अधिक अर्थ वाला शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ हो, तो वो है साहस है। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव में पॉपुलेशन कितना है। अब देखिए एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन नहीं क्लियर मिला कि क्या था, जैसा लोगों ने बताया कि उन्होंने ये पूछा कि उत्तरी ध्रुव में पॉपुलेशन कितना है। अब उत्तरी ध्रुव में अंटार्कटिका में अगर आप देखें तो उसमें जो है अब 2100 कुछ समथिंग थी 17 में। अब उत्तर में उसमें क्या क्या दिया है तो उसके हिसाब से जो है हम इसको बता सकते थे कि एग्जैक्ट में इसने पूछा क्या था। ठीक है, तो आगमन में उपसर्ग क्या है, इसमें आ होगा। रसोईया में प्रत्यय, इसमें ईया प्रत्यय है। सबसे ज़्यादा टिकट किस देश में है, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजभाषा किस हिंदी से संबंधित, पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। जो प्रश्न उनका आया था उन्होंने ऐसा बताया। सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, देखिए ये इलाहाबाद होगा। ठीक है, टोटल जिले की बात है ना कि शहर क्वेश्चन पूछा था। तो नेक्स्ट आपका होगा कि जितने क्वेश्चन हमें मिले अभी तक हमने आपको बता दिए, आगे भी क्वेश्चन अगर किसी को जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में दे दें, और हो सकता है इसमें कुछ लोगों के द्वारा बताए गए प्रश्न ना भी हों, सही ना भी हों, तो उसके लिए क्षमा करें। जैसा जिन लोगों ने बताया वैसा हमने डाल दिया, और जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न हो तो आप पूछ लें, उसका उत्तर आपको हम दे देंगे। और आपसे निवेदन है कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब की यूट्यूब में बटन चलती है उसको प्रेस कर दें, उस पर एक बेल आइकन बनता है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हमारे वीडियो आए वो आपको मिल जाए टाइम से। धन्यवाद।